हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपने प्लांटेड टैंक के जो है 3.5 महीने का अपडेट आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत हो गया है मेरा टैंक। मैंने जितने भी हाइड्रोफिलिया डिफॉर्मर्स थे उनको कटिंग कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे थे। और आप देख सकते हैं कि पूरे टैंक में प्लांट्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जो कारपेट मैंने लगाई थी, कारपेट ग्रास, वो भी लगभग जो है टैंक के बेड पे पूरा स्प्रेड हो रहा है। ये धीरे धीरे और भी स्प्रेड हो जाएगा। बाकी अभी टैंक बिल्कुल ग्रीन दिखने लग गया है, इतना खूबसूरत लग रहा है टैंक। पूरे टैंक में सारे प्लांट्स जो हाइड्रोफिलिया रिफॉर्मर्स थे वो भी बहुत सारे फैल गए हैं, बहुत सारे प्लांट हो गए हैं, तो वो भी अच्छा लग रहा है। जो ग्रास थे वो सारे ग्रास भी फैल गए हैं इसमें बेड पे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, एकदम ग्रीन ही लग रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये 3.5 महीने का अपडेट है। कोई CO2 यूज़ नहीं करता हूँ मैं। बहुत लोग बताते हैं कि CO2 ज़रूरी है टैंक में डालना, कुछ भी यूज़ नहीं करता मैंने। बस जो है डिस्क्रिप्शन जो आप लोगों को बनाने की दी थी वीडियो 1 में, वही वीडियो आप फॉलो करेंगे तो आपकी भी टैंक बिल्कुल सस्ते में इसमें बन सकती है। देखिए फ्रेंड्स, कितने खूबसूरत लग रहे हैं सारे प्लांट्स भी, और मेरे फिश भी। फिश मेरे फिंगर पे जैसे ही मैं टच करता हूँ अपने ग्लास पे, तो सारे फिश वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत लग रहा है। इतने सस्ते में टैंक बनाने कोई नहीं बताता है। बस अगर आप शॉप पे जाएंगे तो महंगे महंगे टैंक आपको बताते रहेंगे, ये सब्सट्रेट लगाओ, वो सब्सट्रेट लगाओ, CO2 लगाओ, ये चीज़ डालो, वो चीज़ डालो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सस्ते में टैंक बनाना है, आप मेरे पहले वीडियो को फॉलो करें और आप आराम से ऐसे ही टैंक बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।